स्वागत है आपका हमारे ई एम इन्वेस्टर चैनल में। यदि आप अपना लेजी पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्यों अगर आपका पैसा फंस गया तो मैं हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताए रहता हूँ। उसके बाद भी कितने लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और जाने के बाद डायरेक्टली मैसेज करने लगते हैं कि मेरा ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो क्लियर मैं मेंशन कर देता हूँ इस वीडियो में कि आपको इस पे कैसे अपना है लेजी पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें जो भी आप बैलेंस ट्रांसफर कर, जो भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, इसमें आपको 24 आवर्स में ही बैलेंस मिलता है, इंस्टेंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा 24 आवर्स का समय लगता है। अब इसमें आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इस ऐप पे आने के बाद जस्ट अभी आपको अपना नेम डालना होगा, यहाँ पे पहले हम साइन इन कर लेते हैं, नेम डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और आपको यहाँ पे इन्वाइट कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इन्वाइट कोड डाल दीजिए, इससे आपको 10 रुपये का फ्लैट कैशबैक भी मिल जाएगा। पहले आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद इसमें आपको केवाईसी भी करना है, केवाईसी के लिए आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आपके पास खुद का आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, जो आपका सेम आधार कार्ड में नेम होगा वही सेम आपके बैंक अकाउंट में नेम होना चाहिए, तभी आपको इसमें अकाउंट आप क्रिएट करिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स इस ऐप में आप लॉगिन होने के बाद जस्ट आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे केवाईसी का एक बैनर देखने को मिलेगा, इस बैनर पे आपको क्लिक करना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए कैसे आपको अपना जो बैलेंस है लेजी पे का कैसे आप निकालेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो कंप्लीट योर केवाईसी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो जस्ट अभी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना डालना होगा, डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। अब आप पूछेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा, तो जो अभी आप साइनअप कर रहे थे जो मोबाइल नंबर अपना डाले थे वही सेम एज अ मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे जस्ट आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी आप डालिएगा, डालने के बाद लॉगिन वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन का एज अ बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना होगा जो एज आपके आधार कार्ड में होगा, अपना फादर नेम डालना होगा और आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, साथ ही साथ अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा फीमेल है कि मेल है, यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर डालना होगा। अगर आपके पास पेटीएम नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, एज ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो अपना पेटीएम नंबर डाल दीजिएगा, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेटीएम नंबर आपको वही डालना है जो आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देंगे, जिसका भी डॉक्यूमेंट देंगे उसी का पेटीएम नंबर होना चाहिए, उसी नेम से होना चाहिए। यदि आपके पास उस नेम से पेटीएम नंबर अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहां पे इस पेटीएम वाले सेक्शन को छोड़ सकते हैं, आगे बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा तो बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, बस ध्यान रखें जिसका भी आप आधार कार्ड देंगे जो भी आधार कार्ड में नाम होगा सेम नेम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंडेड कर दिया जाएगा और आपका यह अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, आपने पेटीएम नंबर डाल दिया या ऐसा आपने इसको स्किप कर दिया, जस्ट अभी आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना होगा, जो अभी आप साइनअप कर रहे थे जो ईमेल आईडी आपने वहाँ डाला था वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो ऐसा आपको डालना होगा फुल एड्रेस और सेव वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, आने के बाद जस्ट अभी आपसे पूछेगा आपका आधार कार्ड नंबर, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर देख के जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है, इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है, इस पर टिक रहने देना है और आपको सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा। फ्रेंड जैसे सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे जस्ट आपसे आपके आधार कार्ड लिंक से जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना होगा, वेरीफाई ओटीपी वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे जस्ट अभी आप आ जाएंगे इस पेज पे, यहाँ पे अभी आपको बताया जाएगा कि आपको अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना होगा, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना, इंटर करने के बाद सेंड वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। फिर फ्रेंड्स आप आ जाएंगे लास्ट पेज पे जिस पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स देना है, जो भी आपको बैंक आपके पास है उस जिस भी बैंक में आपको पैसे चाहिए वो बैंक अकाउंट आप डिटेल्स यहाँ पे देंगे, बट ध्यान रखिएगा जो भी आधार कार्ड में एज अ नेम है वही सेम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, मतलब सेम नेम आपके आधार कार्ड में आपके इस अकाउंट में और सेम आपका बैंक भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी और का बैंक दे रहे हैं और यहाँ पर आप किसी और के नाम से केवाईसी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा, साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि आपका बैंक नाम आधार कार्ड नाम से मैच होना चाहिए अन्यथा आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना होगा,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जस्ट अभी आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, जस्ट आपका बैंक नेम डालना होगा, ठीक है, और यहाँ पे अभी आपको डालना होगा आईएफएससी कोड। ये आपको डालने के बाद सेंड के सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिर से डालना होगा, इंटर करना होगा, सेंड ओटीपी वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट अभी आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, डालने के बाद लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। फ्रेंड नेक्स्ट अभी आपका जो केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, आपका जो अकाउंट है वो अभी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको होम पेज पे आ जाना है। तो आप लोग ने पूरा प्रोसेस समझ लिया कि आपको इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे केवाईसी करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स का जो मैंने आपको पेटीएम का जो कॉन्सेप्ट बताया, और पेटीएम का और बैंक अकाउंट डिटेल्स दोनों का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेम जो डॉक्यूमेंट देंगे वही सेम आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए सेम नेम से, ठीक है। मिसमैच आपको नहीं करना है, ये पूरी बातें अभी अब आपको क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा आपको जो अपना बैलेंस निकालना है, जो भी अपना लेजी पे का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, उसके लिए अभी आपको यहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी मिलेगी कोर्स वाली। ऐसी कैटेगरी यहाँ पे बहुत सी, बट आपको इसी वाले सेक्शन में, इसी वाली कैटेगरी में आपको क्लिक करके जाना है। क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे भी कोर्स वाली कैटेगरी मिल जाएगी और जस्ट नीचे वाली भी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। इसी कैटेगरी में जाना, आपको अपना बैलेंस ट्रांसफर कैसे करना है इसके लिए। अब आपको मान लीजिए अपने कोर्स वाले सेक्शन में आपको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आप यहाँ पे वाले सेक्शन में आ गए। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ तीन प्रोडक्ट दिख रहा है और ये तीनों जो प्रोडक्ट है ये डिजिटल है, ये कोई भी आपके एड्रेस पे सेंड नहीं किया जाएगा, नहीं आपको इस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद कैंसिल करना है, कुछ भी नहीं करना। ये समझिए जो मैं बाय कर रहा हूँ ये एक एज अ कॉन्सेप्ट है, बस मुझे बाय कर रहा हूँ, मेरा जो बैलेंस है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, सिंपल सा स्टेप। अभी आपने अपना पेटीएम नंबर, बैंक अकाउंट जो डिटेल्स दिए हैं उसी पे आपका जो बैलेंस है 24 आवर्स में आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा। आपको यहां पे अब आपको मान लीजिए आपको 1000 रुपए ट्रांसफर करना है, तो अभी 1000 रुपए यहां पे ऐड कर लीजिए, मतलब 1000 का ही प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए। 2000 करना है तो 2000 के लिए मैं आपको 2000 करके दिखाता हूं, ठीक है। तो दो यहां पे मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट किया और यहां चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक किया, क्लिक करना प्लेस टू, यहां पे प्रोसीड टू चेकआउट वाले सेक्शन में फिर से मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आपको यहां पे आपका एड्रेस वगैरह मांगेगा, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, डिलीवरी एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं। डालने के बाद जस्ट अभी आपको पे एंड प्लेस वाले ऑर्डर वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे आप प्लेस वाले पे वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, जस्ट अभी आप आ जाएंगे पेमेंट गेटवे पे, रिजर्व पेमेंट का एज अ ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे यहाँ पे यूज़ किया गया है। जस्ट अभी आपको यहाँ पे नीचे आना, आने के बाद जस्ट अभी आपको अपना लेजी पे बैलेंस को जो अपने बैंकों में ट्रांसफर करना, उसके लिए आपको यहाँ पे लेटर का ऑप्शन देखने मिलेगा सबसे लास्ट में, इस पे लेटर वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पे लेजी पे लेटर का जो ऑप्शन शो हो रहा है इस सेक्शन में क्लिक करना है और अपना लेजी पे वाला नंबर जो डाल के और यहाँ पे सबमिट करके आपका जो बैलेंस लेजी पे से कट जाएगा और अभी जो आपका ऑर्डर वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहां से पेमेंट कर देता हूं डन। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा जो पेमेंट वो डन हो चुका है और योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, आपका जो ऑर्डर वो कंफर्म हो चुका है। अब आपको कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, क्योंकि कितने लोग मैसेज कर रहे थे क्या ऑर्डर को कैंसिल करना, कोई भी ऑर्डर को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, जाने को जितना भी आपको बैलेंस निकालना उतना आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाके उस प्रोडक्ट को उतने क्वांटिटी में आपको बाय कर लेना। 1000 का निकालना तो 1000 से कम का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और जो पेमेंट है 24 आवर्स में आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा बिना कुछ किए। 6% इसमें चार्ज कटता है, 94% आपका जो यहाँ पे अमाउंट वो आपको भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट में। कोई भी आपको यहां पे ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल से सिर्फ आपको जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया बस उस प्रोसेस को फॉलो करना है। बस इतना करने के बाद अब आपको 24 आवर्स वेट करना है, आपका जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां पे कॉल सपोर्ट दिया गया आप पूछ सकते हैं। अब रही बात जो मैंने आपको वीडियो बताया स्टेप बाय स्टेप, उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, और फालतू के यहां पे आप क्वेश्चन बिल्कुल मत करिएगा कि पेमेंट कब आता है कब नहीं। तो मैंने आपको बता दिया 24 आवर्स का समय लगता है, पेमेंट आ जाएगा। और ऑर्डर जो कैंसिल करने की बात कर रहे थे कुछ लोग, ऑर्डर आपको कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑर्डर कर देना है, बस हो गया। और कुछ क्वेश्चन ये भी थे कुछ लोगों के कि यहाँ पे क्या ये जो प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूँ क्या इसको हमें हमारे घर भेजा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक एज अ डिजिटल प्रोडक्ट है, कोर्स है, इसको आप बाय करना है और बाय करने के बाद सिंपल से वेट करना है 24 आवर्स का, आपका जो बैलेंस है आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।